नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की दूसरी इकाई की दूसरी कविता बेटी युग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं आनंद विश्वास जी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सिकोहाबाद इस शहर में हुआ था। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और समाज में जो बुरी बातें हैं उनके प्रति विद्रोह का स्वर रखने वाले कवियों में से एक है। तो चलिए देखते हैं बेटी युग इस कविता में कवि हमें क्या संदेश देते हैं। कविता की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। कवि हमें बताते हैं कि आज भी जो कहानियां नाना नानी हमें सुनाया करते थे वो सबको बहुत पसंद आती थी, लेकिन आगे कवि यह भी बताते हैं कि इस नए दौर में अब हमें नई कहानियां लिखने की ज़रूरत है। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौला दीले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कवि हमें बताते हैं कि बेटी युग में बेटा बेटी दोनों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। दोनों जब पढ़ेंगे तभी यह देश आगे बढ़ेगा। इस नए बेटी युग में आज की तरुण पीढ़ी अपने फौलादी इरादे लेकर जब आगे बढ़ेगी तो उनके कार्य से वह खुद ही अपना इतिहास लिखेंगे। कवि बताते हैं जब देश पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। देश की ये युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर देश को प्रगति की राह पर आगे लेके जाएगी। कवि हमें याद दिलाते हैं कि नानी ने सुनाई हुई कहानियाँ अब भी सभी को बहुत पसंद आती है, लेकिन तरुण पीढ़ी को अपनी नई कहानियाँ भी लिखनी है। कविता की आगे की पंक्तियाँ है, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी सबको लगे सुहानी। कवि कहते हैं अगर सिर्फ बेटों को शिक्षा जाए तो वह केवल आधी शिक्षा होगी। बेटा और बेटी दोनों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। जब दोनों पढ़ेंगे तब ही वह शिक्षा पूरी होगी। कवि हमें बताते हैं कि इस बात पर उन्होंने विचार किया है। अब वह कहते हैं कि इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। बेटा और बेटी दोनों की शिक्षा की इस बात को समझकर उस पर सोच विचार करना चाहिए, इस बात का परीक्षण करना चाहिए, ऐसे कवि हमें कहते हैं। आगे कवि बताते हैं कि उन्होंने अपने मन में ठान ली है कि सारे जग को उन्हें शिक्षामय करना है, यानी कि सारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। कवि हमें फिर से याद दिलाते हैं कि इस दौर में भी हमें नानी की कहानियाँ सुनना पसंद है, लेकिन उससे आगे चलकर हमें इस बेटी युग के नए दौर की नई कहानियाँ भी लिखनी है। कविता की आगे की पंक्तियाँ है, अब कोई ना अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कवि हमें आगे बताते हैं कि अब जो उन्होंने ठान ही ली है कि वह सारे जग को शिक्षामय करेंगे, तो आगे वह बताते हैं कि कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, सबके हाथों में पुस्तक होगी, यानी कि हर एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करना सीखेगा। कवि कहते हैं पढ़ने लिखने से ज्ञान रूपी ये जो गंगा बहेगी वह हर घर के आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जो जग में पहले से ही परिचित है उसे सारे बच्चे और अच्छे से जानेंगे। कवि फिर से हमें याद दिलाते हैं कि नानी द्वारा सुनाई गई मनपसंद कहानियों के अलावा भी नई कहानियाँ लिखने का ये नया दौर है। कविता की अंतिम पंक्तियाँ कुछ इस तरह है, बेटी युग सम्मान पर्व है पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है, सब सब का सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है, सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अंत में कवि हमें बताते हैं कि ये जो बेटी युग आया है इसमें बेटा बेटी दोनों को पढ़ाई लिखाई का एक समान अधिकार है, वह एक सम्मान पर्व है, ज्ञान का पर्व है। इस युग में बेटा बेटी दोनों को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त होगा,
बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्हें पढ़ने लिखने की समान संधि उपलब्ध करा दी जाएगी। कवि आगे बताते हैं कि जब सारे लोग एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे तो यह पर्व सभी के उत्थान का पर्व बन जाएगा। पुराने जमाने में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कवि बताते हैं कि इस बेटी युग में हुई प्रगति को देखकर वह सोने की चिड़िया कहेगी कि इस बेटी युग की हवा बहुत सयानी यानी समझदार है। फिर कवि हमें वही याद दिलाते हैं कि नानी ने बताई हुई कहानियाँ हम सभी को पसंद है, लेकिन बेटी युग के इस नए दौर में हमें और भी नई कहानियाँ लिखनी है। यहाँ पर ये कविता खत्म होती है। धन्यवाद।